आचार्य देवव्रत जी आदरणीय बीके करुणा भाई जी आदरणीय कमल नारायण जी आदरणीय किरण चौहान जी आदरणीय डॉक्टर संजय माहेश्वर जी आदरणीय हेमा दिवाकर जी यशोदा देवी जी और हमारे मित्र किशोर जी ये मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे इसी की जर्नी स्पिरिचुअलिटी फॉर हेल्थ एंड एन्वायरमेंट एंड साइंस जो हम करने जा रहे हैं आज इसमें मुझे बोलने का मौका दिया अभी हमारी चर्चा हो ही रही थी थोड़ी सी बीवी जी की बैकग्राउंड आदरणीय देवव्रत जी में देता हूँ कि मैंने गाँव के दोस्तों को काम देने के लिए आठ लोगों से कंपनी चालू की थी रोज़गार देने के लिए अभी लगभग पचहत्तर हजार लोग पूरे देश भर में काम कर रहे हैं दिल्ली में पार्लियामेंट का पूरा मेंटेनेंस पिछले 20 साल से बीवी जी के पास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर और उनका ऑफिस का भी मेंटेनेंस बीवी जी के पास है राष्ट्रपति भवन का भी मेंटेनेंस बीवी जी के पास है और सुप्रीम कोर्ट का भी हमारे पास है 22 एयरपोर्ट का देखभाल रख रखा का काम बीवी के पास है जिसमें मुंबई एयरपोर्ट है अहमदाबाद है चेन्नई है पूना है ऐसे कई एयरपोर्ट का काम हम करते हैं महाराष्ट्र में 108 की एम्बुलेंस की सेवा हम थोड़ा अलग तरीके से चलाते हैं राज्य सरकार की तरफ से जिसमें अब तक पचास लाख लोगों को हेल्प हुई है और लगभग पंद्रह लाख लोगों की जान बची है लगभग चालीस हजार बच्चों का जन्म एम्बुलेंस में हुआ है तो ये सब सेवा का काम चल रहा था रोज़गार देने का 2012 में मैंने एग्रीकल्चर में काम चालू किया कि फार्मर की उपज कैसे बढ़े आप भी बहुत जोर शोर से एक मूवमेंट चला रहे हैं उसी तरह से मैंने एक थोड़ा सा मूवमेंट चलाने की कोशिश की कि विषम मुक्त खेती और निरोगी भारत और काफ़ी सारा उसमें काम किया उसके बाद पिछले आठ साल से लगभग डेढ़ सौ लोगों की टीम बीवीजी की रिसर्च कर रही है आयुर्वेदिक दवाइयों के ऊपर कि आयुर्वेद आगे क्यों नहीं गया और एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ हमारे संजय माहेश्वरी जी ने मुझे बताया कि हम एलोपैथिक डॉक्टर एविडेंस के ऊपर ध्यान देते हैं तो एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ कैसे करें और आयुर्वेद के ऊपर हम रिसर्च हैं पिछले आठ साल से और उसमें कई तरह की प्रवन दवाइयाँ भी बनी हैं जिसमें कोई भी तरह का कैंसर हो अभी हमने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में ट्रायल लिए और वहाँ पे ये पता चला कि 24 घंटे में खाली मात्र 24 घंटे में हर्बल दवा से कैंसर की सेल लाइन की कंप्लीट डेथ होती है और नॉर्मल सेल को धक्का भी नहीं लगता है नॉर्मल सेल को कुछ बुरा नहीं होता लेकिन कैंसर से कौन सा जीन एक्सप्रेशन अप रेगुलेट हो रहा है कौन सा डाउन रेगुलेट हो रहा है और उस तरह से क्यों कैंसर की डेथ हो रही है हो हमने समझने की कोशिश की कोई भी कैंसर का पेशेंट जो बेड से उठ नहीं पाता है वो पंद्रह दिन के अंदर चलने लगता है फिर हार्ट की दवा बनाई है जिससे हार्ट के ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं हार्ट के फंक्शन ठीक हो जाते हैं जो आदमी पंद्रह बीस कदम चलने के बाद जिसकी सांस फूल जाती है वो दो महीने के बाद मिनिमम दो से तीन किलोमीटर चलने लगता है इस तरह से थोड़ा सा हार्ट के लीवर सिरोसिस की भी दवा बनी है किडनी फेल्योर जिनको महीने में पंद्रह बार डायलिसिस है वो एक साल भर दवा खाए तो और डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी जो है वो पंद्रह से दो बार पे घट के आ जाती है और ऐसे कई पेशेंट ठीक हो चुके जहाँ पर तीन सौ लीवर सिसोसिस के पेशेंट ठीक हो चुके हैं और ये आयुर्वेद की ताकत है जिससे योग ने आ, योग को पूरे विश्व ने मान लिया है उस तरह से आयुर्वेद को पूरा विश्व माने इसके ऊपर बी ग्रुप हम काम कर रहे हैं फिर किशोरा जी का परिचय हुआ और किशोर ने बताया कि एक हम ये यात्रा लेके चलते हैं कि पूरे देश में 300 शहर में अवेयरनेस प्रोग्राम की स्वच, स्वच्छ स्वस्थ कैसे रहे दवाई मुक्त जीवन कैसे हो जिसमें हमारे मित्र महेश बाली जी भी है कि ये पूरी आ, जर्नी पूरे देश भर में हमको लेके जानी है और निरोगी भारत क्योंकि बीमार होने के बाद दवाइयों के ऊपर करोड़ रुपया खर्च करने से पहले ही अगर हम प्रिवेंटिव काम करें जैसे विविधा में काम हो रहा है प्रिवेंटिव काम करें हमारे आशर्य शेख साहब भी बहुत अलग तरीके से काम कर रहे हैं तो ये अगर हम कॉम्बिनेशन करके लोगों को एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चले जाए तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम करें कि बीमारी नहीं पड़े तो आगे खर्चा होने की जरूरत नहीं है आप एक विषमुक्त खेती का अभियान आप, आप चला रहे उस तरह से हम भी सोच रहे हैं कि एक दवाई मुक्त जीवन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करें और अफोर्डेबल हो सस्टेनेबल हो और सर्व व्यक्ति को खर्चा न बढ़े तो उसकी जर्नी का शुरुआत आज से हो रहा है मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं ये कमल जी हमारे जो मित्र हैं बहुत एग्रेसिव है एग्रेसिवली काम कर रहे हैं किशोर जी है किशोर जी ने पूरा जर्नी की ये ठान ली है कि ये पूरे विश्व में लेके जाएंगे भारत में लेके जाएंगे भारत के बाहर भी लेके जाएंगे करुणा भाई जी की ब्रह्म कुमारी जी के आशीर्वाद चाहिए और आज आपके आशीर्वाद हमें चाहिए कि ये जर्नी सफल हो और पूरे देश में निरोगी लोग रहे अच्छे लोग रहे स्वस्थ लोग रहे यह जय के लिए आप सबके आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ धन्यवाद